एंटी भू माफिया पोर्टल पर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्रवाई तथा आंखें दर्ज किए जाने के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य राजस्व अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रीता गाड़िया सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुलिस के जवान मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज की गई सूचनाओं की समीक्षा की गई तथा जनपद स्तर से आंख्या सही ढंग से कराए जाने, भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने सहित अन्य बिंदुओं का प्रशिक्षण दिया गया। पार्टी बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये अवगत करा दूं, ये प्रेजेंटेशन जो है पहला तो है ग्रुप में डाल दिया था माफिया अभियान के संबंध में जो स्तर पर क्या क्या चीजें आनी होती है के बारे में जो सूचनाएं भरी जाती हैं, अक्सर उसमें विसंगति हो जाती है और कई जगहों पे तो जा रही है, खासकर भूमाफियाओं के संबंध में। उसमें पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई उसकी अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है और इसमें अक्सर पिछले जो है एक साल से हम देख रहे हैं अतिक्रमण हटाने की शिकायतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन क्षेत्रफल उतना का उतना ही है। अभी भी जो इसमें दिख रहा है 66,000 हेक्टेयर, वो पिछले एक साल से 66,000 हेक्टेयर ही दिख रहा है। इसका मतलब अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई या तो पहले कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि हुई है, क्या है सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं त्रुटि होने के कारण उसको ठीक किया गया है। अब उसके संबंध में एक प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि दो चीजें, या तो अतिक्रमण हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया है। नहीं हटाया गया तो किन कारणों से नहीं हटाया गया, वो कारण सारे इंगित होने चाहिए। तो हटाने के पहले का फोटो, खासकर तालाबों के बारे में पहले का फोटो और बाद का फोटो, उनकी स्थिति क्या है और उनमें अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाए, इन्हीं सब बिंदुओं पर आपकी कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही उसका समाधान कैसे हो।